वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज अ बॉय अमन, दिस इज अ गर्ल पायल। इस दिन का ना हमको बहुत दिन से ना इंतजार था कि कब ये दिन आएगा और फाइनली ये जो दिन है वो आ चुका है। भैया से ज्यादा तो सबसे ज्यादा इंतजार ना मुझे इस दिन का रहता है, क्योंकि इस दिन पर मुझे मिलते हैं बहुत ही नए नए कपड़े और सरप्राइजेस भी तो मिलते हैं। आप लोग सही समझे, इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हो रक्षाबंधन शॉपिंग। खुशबू अपने कबोर्ड में से कपड़े निकाल रही है, क्योंकि उसने जो कपड़ा पहना है उसमें बहुत ही छोटा पड़ रहा है। क्या कहना चाहती हो इस बारे में खुशबू? मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि ये कपड़ा मेरे में छोटा पड़ रहा है और मैंने एक भी बार इस कपड़े को नहीं पहना और मैं इस कपड़े को फेंकूंगी नहीं। मम्मी है ना इस कपड़े को सीधा लूज कर देगी। अच्छा, मतलब तेरे साइज का बना देगी, है ना? हाँ। अब तक तो कुछ और पहन ले, देख ना इतने सारे कपड़े हैं, कोई तो मिलेगा तुझे परफेक्ट। यार है तो बहुत सारे कपड़े, पर मैंने ना बहुत बार पहन लिया तो मुझे फिर पहनने का मन नहीं कर रहा। तो भाई कुछ नहीं हो सकता, पायल तो बेचारी कुछ भी पहन लेती है, इसको तो कोई ड्रामा ही नहीं रहता कि मुझे ये पहनना है, मुझे ये पहनना है ना। उसके पास इतने सारे कपड़े, आप देख ही सकते हो इतने सारे कपड़े हैं, तो ड्रामा कहाँ से करेगी। हाँ, ये भी बात सही है, दोनों तरफ से बोलूंगा। डबल ढोलकी ये पहन ले, ये भी तो नया ही है ना, परफेक्ट लगेगा, व्हाइट के ऊपर व्हाइट परफेक्ट। ठीक है तो मैं यही पहन लेती हूँ और मैं बहुत ही ब्यूटी क्वीन लगूंगी। अरे ये क्या है? ये कपड़ा है। ये क्या तुम लोग उठा उठा कर लाते हो यार मॉल से? अरे अभी ये नहीं दिखाना है खुशबू, तुझे पता है ना कि कौन से चैलेंज के लिए है? आज है ना हम लोग को रक्षाबंधन के लिए परफेक्ट सी आउटफिट लेनी है, हम तीनों को, पायल और खुशबू को राखी भी लेनी है, तो साथ में मैं जाऊंगा तो मुझे भी घूमना पड़ेगा और मेहंदी भी लगवानी है। और गाइज मुझे इन दोनों के लिए ना बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट लेना है, अभी तक मैंने सोचा ही नहीं है कि मैं क्या लेने वाला हूँ। खुशबू के एग्जाम्स जो है वो खत्म हो चुकी है। कैसा लग रहा है एग्जाम्स खत्म हो गई? बहुत ही अच्छा लग रहा है कि एग्जाम्स खत्म हो गई फेस्टिवल के पहले। हाँ, ना तो रक्षाबंधन के दिन भी है ना चोपड़ी खोलकर पढ़ो। अभी अभी हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए रक्षाबंधन के लिए, और देख ही सकते हो क्या हो रहा है हमारे सामने, बारिश आने वाली है। मम्मी 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 पैसा, रक्षाबंधन के एक दिन पहले आप है ना हमें हमेशा पैसे देते हो कि जाके अपने कपड़े खरीद लो, तो इस बार तो दो। अरे चलती हूँ तुम लोगों साथ में, हम जैसा कपड़ा बोलेंगे वैसा कपड़ा खरीदना पड़ेगा, है ना? हाँ, पसंद भी तो आना चाहिए। अरे हमारे ही तो पसंद पहनते हो, थोड़ा अच्छा वाला होना चाहिए मम्मी। ठीक है ना? थैंक यू मम्मी, थैंक यू मम्मी। हम तीनों तो तैयार हो चुके हैं। हाँ, और मेरा जूता भी मैंने नया वाला पहन लिया है और मैंने अपना चप्पल भी नया वाला पहन लिया है। और ये रहा मैं भी रेडी हो चुका हूँ, और एज यूजुअल मैं हमेशा की तरह है ना बहुत ही गंदा दिख रहा हूँ। कैसी राखी खरीदेगी मेरे लिए? मैं आपके लिए ना पिछले साल जैसी राखी खरीदने वाली हूँ, हीरा मोती जरी वाली। हीरा वाला खरीद दे, अगर तू हीरे वाली खरीद देगी तो मैं मान जाऊंगा, असली हीरे वाला। ठीक है, रहने दो, आपका सपना कभी सच नहीं होगा। और पायल तू कैसा खरीदने वाली है? मैं तो एज यूजुअल आपके लिए बहुत ही अच्छी राखी खरीदने वाली, जाके देखेंगे ना कि कैसी राखी खरीदेंगे, क्योंकि हम जो सोचते हैं ना वैसी सेम टू सेम राखी तो मिलेगी नहीं। सोने की राखी खरीद दे प्लीज। अपने लिए तो सोने का ब्रेसलेट खरीदा नहीं जाता, तेरे लिए राखी कहाँ से लाऊं? अरे मुझे कभी तो सरप्राइज दो। मैं आपके लिए सोने का राखी तो नहीं खरीद सकती, आपके लिए रक्षाबंधन से पहले लोटे चको पाए तो दे सकती हूँ। रहने दे तू ही खा। गाइस ये लोग मुझे सोने चांदी की राखी नहीं बांध सकते, तो मैं भी इन लोगों को महंगी गिफ्ट क्यों दूं, है ना? मेरा ये फर्नीचर देना बहुत ही व्यर्थ गया गाइस, मैं बहुत ही पछता रहा हूँ इन लोगों को ये वाला गिफ्ट देकर। पर हमारी यार, मैं तुझे बताया ना कि हमारे पास पैसे नहीं है, जब हम कमाने लगेंगे तब खरीद देंगे। अच्छा वो भी देखेंगे। गाइस इस बार मैं ना इन लोगों को बहुत ही सस्ता सा गिफ्ट देने वाला हूँ। रक्षाबंधन भगवान ने इसीलिए बनाया है क्योंकि बहन अपने भाई से महंगी महंगी गिफ्ट ले सके। फ्लैग कहाँ से लाई? स्कूल से आ रही थी मैं तो सबके घर के ऊपर ना इतने बड़े बड़े फ्लैग ऐसे मतलब लहरा रहे थे, तो मैंने भी कहा कि मम्मी हम भी खरीदेंगे फ्लैग। इन्हें कहा कि ये ना पूरे सोसाइटी में दिया है सबको फ्लैग, सो हमको भी दिया है। जय हिंद, भारत माता की जय।
लग चुकी है, पता नहीं खुशबू की कब तक लगेगी। जब मेहंदी लगाने के बाद है ना, ऐसे आराम से बैठने का मन कर रहा है। उसकी अभी तक लग रही है। हाँ तेरी दिखा, परफेक्ट। मुझे पता है भैया, जब तक मेहंदी हम निकालेंगे नहीं ना, तब तक वो ना दिखा दिखा करते रहेगा। फाइनली हमारी मेहंदी अच्छे से लग चुकी है और मैं तो मतलब सरप्राइज हो चुकी हूँ कि 15 मिनट में उन्होंने 4 मतलब हाथ लगा दिए। अगर हम लगाते होते ना तो 1 घंटा से कम नहीं लगता हमें एक हाथ लगाने में। और है ना, मैं उधर बैठी थी ना लगवाने के लिए, तो मुझे ना एकदम घूमने का मन कर रहा था। हो गया भाई, इतना नहीं देखने का मेहंदी बार बार। अरे मैंने पहली बार है ना बाहर से लगवाई है, तो मैं बार बार देख रही हूँ। बहुत मस्त लगाई है, बहुत अच्छी लगी है ना। लगी किसके हाथ में? खुशबू के हाथ में, तो अच्छी तो मेहंदी लगेगी। सो गाइस, इन लोग को रक्षाबंधन के लिए ड्रेस तो मिला नहीं, लेकिन इन लोगों ने है ना ये प्यारी प्यारी सी मेहंदी जो है वो लगवा ली है। अभी हम घर पे जा रहे हैं, खाना खाएंगे और फिर से निकलेंगे ड्रेस ढूंढने के लिए रक्षाबंधन के लिए। चल पाल, ढूंढ ढूंढ फटाफट से। मैं ना मॉल में आती हूँ ना, तो मुझे बहुत सारे ऑप्शंस दिखते हैं और मैं ना फिर कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मैं कौन सा लूँ कौन सा ना लूँ। चल देख तो खरी कौन सा पसंद है तुझे। हाँ वैसे तो मुझे वो सारे भी दिख रहे हैं, वो सारे पसंद आ रहे हैं मुझे तो। ये कैसा है? ये अच्छा है। अच्छा है, पर वो मेरे साइज का नहीं है। लेके क्यों आई? छोटी साइज देखना, मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए लेके आई। ये बहुत अच्छा लग रहा है पायल। अरे अच्छा तो लग रहा है, सारे कपड़े अच्छे लगते हैं, पर मुझे ना रक्षाबंधन में इतना सिंपल नहीं पहनना। ये भी अच्छा है, इसके नीचे तू धोती पहनेगी और एक दुपट्टा लेगी ना, तो बहुत अच्छा लगेगा। या फिर हम प्लाजो भी पहन सकते हैं। मस्त लग रहा है खुशबू, यही ले ले। चल मैं 1.5 फुट ऊपर हो गई। पायल तूने जो पसंद किया है ना वो बहुत ही अच्छा है, लिटरली ये बहुत ही अच्छा है। ट्राई कर रही हूँ कि मेरे साइज का है या नहीं। कम्फर्टेबल नहीं है तो क्यों ले रही है खुशबू? ये भी अच्छा लग रहा है यार। मैं जो भी चप्पल फाइंड कर रही हूँ ना हिल्स वाला, वो उसमें एक भी साइज मेरा नहीं है यार। पायल यहाँ पे फाइंड कर रही है अपने सैंडल्स, देखते हैं पसंद आता है कि नहीं। मुझे ना पसंद नहीं आ रहा एक भी। अच्छा लग रहा है, ये ले ले। ले लूं, बट ये है कितने का? इसमें तो प्राइस ही टैग नहीं है, मैं लूं कैसे? अरे वो बता देंगे वहाँ पे। ठीक है देखते हैं। आधे घंटे से ये लोग है ना परफेक्ट ड्रेस को है ना फाइंड कर रहे हैं कि ये क्या रक्षाबंधन पे पहनेंगे, लेकिन इन दोनों को कुछ नहीं मिल रहा है। पता नहीं क्या पहनेंगे ये लोग, नहीं पसंद आ रहा। अगर मुझे इधर से नहीं पसंद आया ना, तो मैं दूसरी जगह से लूंगी। मुझे ये वाला ड्रेस और एक ये वाला ड्रेस बहुत ही अच्छा लग रहा है, बट ये दोनों मेरे साइज का नहीं है। तो मम्मी इसको फिट कर देगी, तो मैं ये रक्षाबंधन के लिए पहन लूंगी, मीन्स कल पहन लूंगी। ये बहुत अच्छा है, मैं ले लेती हूँ। अरे ये तो कैसी बहन है, मुझे इधर का कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, पर फिर भी मैं ढूंढूंगी अपने लिए रक्षाबंधन का आउटफिट ढूंढूंगी मैं। भैया मैं कपड़े ढूंढने गई थी और मुझे मिल गया एक सुंदर सा पर्स। ऐसे पर्स ना सिर्फ सो के लिए अच्छे होते हैं, इसमें ना तो कुछ रख भी नहीं पाएगी। ठीक और बहुत जल्दी टूट जाते हैं ना। हाँ इसका ये मटेरियल है ना बहुत जल्दी निकल जाएगा, तो तू मतलब ये पैसा बर्बाद है ना। तुझे ये पसंद है? मैं ले रही हूँ, पसंद आ रहा है पर थोड़ा थोड़ा आ रहा है। मतलब तुझे जैसा चाहिए वैसा नहीं मिल रहा है ना। आई थिंक मुझे ये ले लेना चाहिए। हाँ ये मस्त लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना, तेरे साइज का भी है। हाँ और मैं इसमें है ना ब्यूटी क्वीन लगूंगी, एकदम क्यूटी पाई लगूंगी। हो गया हो गया हो गया, ये मेरे में हो जाएगा? कौन सा वाला? ये वाला। हाँ हो जाएगा, पर इतनी लंबी हाइट किसकी है? मेरी तो निकाल ना। अरे तू नहीं निकाल पाएगी, हेल्प ले ले किसी और की। वाला पसंद किया है, लेकिन ये वाला सबसे सुंदर लग रहा है ना। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, पहले यही ले ले प्लीज, उसकी जगह ये ले ले। और इसमें तुझे कॉलर ऑप्शन भी मिल रहा है। मैंने जैसे सोचा था ना रक्षाबंधन पे कपड़ा पहनने का, तो वैसा कपड़ा तो इधर कुछ है नहीं, उसके सिमिलर भी नहीं है। मैंने ना ये दो ड्रेसेस सिलेक्ट किया है, उसमें से मैं ना ये वाला लूंगी और ये वाला नहीं लूंगी, क्योंकि मुझे है ना ये थोड़ा साइज का इशू लग रहा है। ये ना मेरे साइज का है, तो मैं ये ले रही हूँ। अरे यार कोई तो ले ले पायल, अब हम लास्ट मोमेंट पे आए शॉपिंग करने के लिए, तो कुछ तो लेना पड़ेगा ना। नहीं तो पुराने कपड़े पहन लेना। ये ले लो, ले ले, वो भी अच्छा ही लग रहा है। ये लग रहा है रक्षाबंधन में पहनने लायक, ये नहीं लग रहा जो तूने लिया है। नहीं मुझे यही अच्छा लग रहा है, ये नीचे पैटर्न दिया हुआ है ना वो अच्छा लग रहा है मुझे। तो ले ले तेरी मर्जी। ये लेने के लिए सोचा था,
पापा ने ना मम्मी ने बोला कि रक्षाबंधन में ऐसा नहीं पहन सकते, मतलब अच्छा नहीं लगेगा। सो मैंने ना ये सोचा कि ये वाला मैं ले लेती हूँ और फाइनली मैं यही लेने वाली हूँ। और इसका प्राइस भी है ना बहुत ही महंगा है, जैसे कि आप देख ही सकते हो 1300 रुपए का। इसीलिए मम्मी ने बोला कि मतलब महंगा भी है। ये पायल ले रही है और ये ले रही है खुशबू। चलो, आर यू हैप्पी? यस, नॉट सो मच। ओके ओके। लेगी पर मेरे हाथ में आएगा नहीं, देख मेरा हाथ पतला है। हाँ जाएगा। हाँ, क्योंकि पूरा वीरा दिखना चाहिए है ना। हाँ नहीं आएगा पायल, कोई और ले ले। तो ये ले लूँ? हाँ ये ले ले, ये जो तुझे मर्जी वो ले ले। मैंने तो अपने पसंद की ले ली है। मुझे ना ये राखी पहले नजर में अच्छी लगी, इसी को फाइनल करने वाली हूँ भैया के लिए। लेगी ये ले ले, हमारे छोटे भाई के लिए, छोटके को बांधने के लिए, छोटके को। जैसे भी उसमें लाइट जलेगी ना तो उसको अच्छा लगेगा। हाँ, उसको लाइट वाली सारी चीजें बहुत अच्छी लगती है। अभी ये तो फाइनल किया ना। इट्स द नेक्स्ट डे एंड हैप्पी रक्षाबंधन टू यू ऑल। अभी है ना मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको एक स्पेशल चीज जो है वो दिखानी थी। मैं पायल और खुशबू के लिए बहुत ही अच्छी सी ना ड्रेस है ना एक हफ्ते पहले ही लेकर आ चुका था रक्षाबंधन के। मुझे पता था उनको एंड मौके पे ना कुछ मिलने वाला है ही नहीं, और खुशबू का एग्जाम्स थी तो वो शॉपिंग करने जा नहीं सकती थी। खुशबू शॉपिंग करने नहीं जाएगी तो पायल शॉपिंग करने नहीं ही जाएगी, क्योंकि वो दोनों है ना एक साथ ही हर एक काम करती रहती है। मैंने उन दोनों के लिए ना ड्रेस खरीद ली थी मम्मी के साथ जाकर। ये वाली ड्रेस जो है वो मैं खुशबू के लिए लाया हूँ, और ये वाली ड्रेस जो है वो मैं पायल के लिए लाया हूँ। भले मैं अच्छे कपड़े पहनूं या ना पहनूं, लेकिन मेरी बहनों को रक्षाबंधन पे एकदम सुंदर दिखने का हक है, इसलिए मैं उन लोगों के लिए ना ये प्यारा प्यारा सा कपड़ा जो है वो लेकर आया हूँ। देखते हैं उन लोगों को पसंद आता है कि नहीं। उन्होंने जैसा सोचा था कि रक्षाबंधन में पहनेंगे वैसा ही लेकर आया हूँ, क्योंकि मुझे उन लोगों की है ना चॉइस पता है कि उनको है ना कैसा कपड़ा चाहिए। फटाफट से जाकर है ना मैं ना साइड में रख देता हूँ जहाँ पर वो सोए हैं, जिससे वो जब भी उठेंगे तभी देखेंगे और सरप्राइज हो जाएंगे। गाइस ये लोग ना सो रहे हैं, सो मैं पायल का ड्रेस जो है वो मैं यहाँ पे रख देता हूँ, और खुशबू का ड्रेस जो है मैं वहाँ पे रख देता हूँ, ताकि जब भी ये उठे ना तो डायरेक्ट इस पे ही नज़र पड़े इन लोगों की, और देखते हैं पसंद आता है कि नहीं इन लोगों को मेरा गिफ्ट। साथ में ये भी सरप्राइज है गाइस, जब वो मुझे राखी बांधेंगे तब मैं उनको दूंगा। सो गाइस होप करता हूँ आपको ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय 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 बाय। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब भी कर देना। पार्ट 1 तो आपने देख ही लिया, वेट फॉर पार्ट 2 ऑफ रक्षाबंधन।